तो वेस्टइंडीज के खिलाफ ऋषभ पंत बनने जा रहे टीम इंडिया के वाइस कैप्टन यानी कि पंत को उप कप्तानी की जिम्मेदारी मिलने जा रही है। साथ ही साथ भारतीय टीम में वेस्टइंडीज के खिलाफ पहली बार शामिल किया गया है दो सबसे जबरदस्त युवा खिलाड़ियों का। नाम है शाहरुख खान जो पंजाब किंग्स के लिए लास्ट ईयर काफी शानदार प्रदर्शन कर चुके हैं, शानदार विस्फोट के बल्लेबाजी करके दिखा चुके हैं। तो वही दूसरे खिलाड़ी हैं चेन्नई सुपर किंग्स के बेहतरीन स्पिनर ऑलराउंडर रवि श्रीनिवासन साई किशोर। इन दो खिलाड़ियों को वेस्टइंडीज के खिलाफ सीरीज टीम में शामिल कर लिया गया है। तो आखिर क्या है माजरा इस वीडियो में आगे पूरी विस्तार से बताने वाले हैं। सो हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं क्रिकेट सुपर फैंस, मैं हूं रफी। तो फिलहाल वेस्टइंडीज का भारत दौरा स्टार्ट होने जा रहा है 6 फरवरी से, जो 20 फरवरी तक यह पूरी सीरीज भारत में खेली जाएगी भारत बनाम वेस्टइंडीज के बीच, जहां टीम इंडिया को वेस्टइंडीज के खिलाफ भारत में ही सबसे पहले 3 ओडीआई मैचों की सीरीज खेलना है, उसके बाद आखिर में 3 टी20 मैचों की सीरीज खेलना है। अब जहां ओडीआई और टी20 सीरीज के लिए वेस्टइंडीज और इंडिया दोनों ही टीमों का स्क्वाड अनाउंस हो चुका है। साथ ही आपको बता दें कि ओडीआई सीरीज के लिए जो टीम इंडिया का स्क्वाड अनाउंस हुआ है उसमें कप्तानी रोहित शर्मा को ही दी गई है और उप कप्तानी केएल राहुल को ही दी गई है। लेकिन चूंकि केएल राहुल पहला ओडीआई मुकाबला नहीं खेलेंगे, पहले ओडीआई मुकाबले में पर्सनल रीजन की वजह से वो नहीं खेलेंगे और दूसरे और तीसरे ओडीआई मुकाबले में केएल राहुल वापसी करेंगे और बतौर उप कप्तान खेलेंगे। लेकिन पहले ओडीआई मुकाबले में चूंकि टीम इंडिया के वाइस कैप्टन केएल राहुल नहीं होंगे तो उनकी जगह पर किसे बनाया जाएगा टीम इंडिया का उप कप्तान, ये बड़ा सवाल है और इसी को लेकर बड़ी रिपोर्ट्स आ रही है। रिपोर्ट्स के अनुसार ऋषभ पंत को पहले ओडीआई मुकाबले में उप कप्तानी दी जाएगी केएल राहुल की गैर मौजूदगी में, लेकिन जब केएल राहुल दूसरे ओडीआई मुकाबले से वापसी करेंगे तो केएल राहुल ही टीम इंडिया के वाइस कैप्टन होंगे। तो वहीं कोरोना की तीसरी लहर को ध्यान में रखते हुए बीएसएसआई ने दो और नए खिलाड़ियों को भारतीय टीम स्क्वाड में शामिल कर लिया है स्टैंड बाय के तौर पर। जी हां, अगर कोई भी भारतीय टीम का खिलाड़ी मैन स्क्वाड से टीम स्क्वाड से इंजर्ड हो जाता है या फिर किसी वजह से बाहर हो जाता है तो फिर शाहरुख खान और रवि श्रीनिवासन साई किशोर को टीम में शामिल कर लिया जाएगा और इसी वजह से इन्हें पहले ही टीम में शामिल कर लिया गया है, ये टीम के साथ रहेंगे। तो उम्मीद करता हूं कि वीडियो अच्छी लगी होगी, अगर अच्छी लगी प्लीज लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें।